जी वाहे गुरु साहिब जीओ देख फरीदा जेठिया शक्कर होई वैशम साई बाजों अपने वेदन कहिए केसम फरीदा अखी देख पतीनिया सुन सुन रीणे कन साख पकंदी आईया होर करेंदी वन फरीदा काली जिनी नरावेया तौली रावे कोए कर साई स्यों पेहड़ी रंग नवेला होए कर साई स्यों पेहड़ी रंग नवेला होए। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। वडभागी हाँ जी उस वाहिगुरु परमेश्वर दियां अपार रहमतां दे सदका और सतगुरु पातशाह जी दी बख्शिश दे सदका गुरु चरणां दे विच विराजमान होके बैठे हाँ। तो ये तीन श्लोक ने बाबा फरीद साहब जी दे आपां अज विचारने ने पाठ आपां कीता है संगती रूप ते इन्हां नूं विचारन दा समझन दा आपां यतन करते हैं। अच्छा एक ना गुरमुखो बड़े ध्यान दे नाल समझो इस नुक्ते नूं। एक ना किताब च मैं पढ़ रहा सां कहिंदी धार्मिक अस्थाना ते ना नुक्ता बड़े ध्यान दे नाल समझो धार्मिक अस्थाना ते ना लोग उम्र तो 10 साल वड्डे लगते होंगे है कि पढ़िया मैं ये गल पूछा भी क्यों ठीक है लगते हैं पर क्यों लगते हैं कहते उत्थे हसन की आग्या नहीं होंगी। जवाब की मिले कहते उत्थे हसन की आग्या नहीं होंगी भाव कि सारे इदा के बैठे होंगे तो जदों ना गुरद्वारा साहब न चलते हैं तो ये कदे ना सोचा करो भी असी इदा समझण दे वास्ते इदा ज्ञान दी लैण दे वास्ते इदा भार जा पा के असी जा रहे हैं इदा इदा सोचा करो भी आनंद लैण जा रहे हैं की सोचना है आनंद लैण जा रहे हैं हसन खेडण वास्ते जा रहे हैं जिंदगी का आनंद है जिहड़ा उहनूं मानण वास्ते जा रहे हैं। तो गुरद्वारा यही तो बख्शदा है ना जदों असी बारहवां दी बाणी पढ़दे हाँ तो पहला महीना गुरमुखो चेत है तो बारहवां महीना फगण है इदा ही है ना। अच्छा शुरू कित्थों हुंदा है चेत गोविंद आराधी है होवै आनंद कणा हुण आराधना पहला स्टैप है तो आनंद की प्राप्ति करनी अखीर है इसे होवे आनंद घणा नूं फिर तुसी जाके देखो जदों बारहवां महीना आउंदा फलगुण आनंद उपार्जना आनंद उपार्जना की हुंदा
उपजिया पैदा हो गया। अर्थ की है भी धर्म की दुनिया विच अखीरला जिहड़ा पॉइंट ना वो आनंद पैदा होना है, तो आनंद विच हासा ही हुंदा है, आनंद विच विकास हुंदा है, आनंद विच खेड़ा ही हुंदा है। तो इदां ना मैं कई बार मन च विचारदा हुंना भी होना चाहिए भी गुरद्वारा साहब जाइए ना तो हर कोई हसदा हसदा नज़र आवे, इदा खुश खुश नज़र आवे, चिंता तो रहत नज़र आवे, इदा पर हुंदा उस तो उल्टा है। इदा ना तो होना चाहिए इदा भी असी आनंद जहा प्राप्त करने वास्ते इदा आई। मैं जो कथा कर आना ना मैं कदे भी इदा नहीं आता भी ए रट्टा जहा ला के आए भी इतों आए दिलना फिर आए सुना फिर आए सुना, इदा इदा कदे नहीं आया। एक एक खाका जहा बना के आईदा, पर उस तो बाद जिधर नू गुरु पातशाह लै गई उधर नू चल पैना, जिधर नू आनंद दे नाल बह गई कोई वेग जिधर नू बह गया उधर। कई बार पिछों पढ़ के कुछ होर आने इत्थे गल होर बन जाती है, तो रोकीदा नहीं मन नू भी इधर नू क्यों, वो एक लहर है जिधर नू वेग बह गया। तो इदा ना हसते खेडते रहना चाहिए गुरुद्वारे, सारिआं दा होना चाहिए, इदा हसन खेडन आनंद लैन जा रहे हैं जी, ना कुछ सुन सुनाउन जा रहे हैं, वो सुन सुनाउन विच्चों आनंद बन जाएगा। तो ये जिहड़ा शब्द है ना ये मैं क्यों बचन कहे, क्योंकि ना कई बार बाबा फरीद साहब जी की बाणी पढ़ते हैं इदा आ जाता भी हए मौत दीआं गल्लां ही ने सारिआं, इदा लगन लग, क्योंकि असी उस तरीके नाल नहीं ना समझते। जदों असी कहना भी मौत आ जानी है उहदा अर्थ उदासीनता नहीं हुंदा, उहदा अर्थ सुचेतता हुंदा है। जे आपां कहने भी शाम होण वाली है उहदा अर्थ की हुंदा भी जल्दी जल्दी कम नबेड़ लो, बस यही अर्थ है। जदों कहने मौत आउण वाली है भी भाई चंगे चंगे कम जल्दी जल्दी नबेड़ लो, उहदा अर्थ यह हुंदा। असी होर पासे लै जांदे तो इदा चलो खैर आपां नाल नाल ही विचारदे आं। देख फरीदा जेथिया, जेथिया का अर्थ है जो हो गया, थिया हो चुके है जो। देख फरीदा, देख तां सही, शक्कर होई विश, शक्कर का अर्थ है मिठा ते विश का अर्थ है जहर। जिहड़ा कोई समा सी जिहड़ियां चीज़ां तैनू शक्कर लगदियां सी अज विश बन गईयां ने, जिहड़ियां चीज़ां तैनू मिठियां लगदियां सी अज तेरे लई जहर बन गईयां ने। बदलाव है ना, और ये चंगी गल है, ये उत्साह देने वाली गल है। किवें आपां कहांगे, क्योंकि असल विच ना ये नुक्ता समझो, शक्कर होई विश, कई बार इदा हुंदा है भी कुछ चीज़ां सचमुच जबान तो सानू मिठियां ही लगदियां हुंदियां ने, हुंदियां जहर ही ने, पर उस समय नाल पता लगता है, समय नाल पता लगता भी जहर ही सी, तां असीं तां जहर ही खा रहे सी। तो बाबा जी कहिंदे ने शक्कर होई विश, जिहड़ियां चीज़ां तैनू किसे समय तेरे शरीर नूं चंगियां लगदियां सी, मिठियां लगदियां सी, जिहड़ियां चीज़ां कोई समा सी तेरे मन नूं मिठियां लगदियां सी, अज की हो गया, कोई विश, अज वो जहर बन गईयां सारियां, अज वो तैनू जहर लगदियां ने, चंगियां नहीं लगदियां। साईं बाजो अपनी, एक अपने प्यारे प्रीतम तो बिना, वेदन कहिए किस, वेदन होंगे पीड़ा, हिरदे की वेदना, हिरदे की पीड़ा, हिरदे का दुख। हुण अपने प्यारे वाहिगुरु तो बिना किसनू कहिए, पहला तो उही चीज़ा मिठिया लगदिया सी, हुण पौड़िया लगदिया ने, पर यह मैं अपने अंदर की हिरदे की वेदना अपने साई तो बिना किसनों कहा। अर्थ की बनया भी भाई ये कुदरत का बदलाव है, इनू टालिया नहीं जा सकीदा, इदा अर्थ बनेगा ये कुदरती बदलाव है, इनू किसी तरीके नाल तू टाल
नहीं सकता। अगला उचार दें, फरीदा अखी देख पतीनिया, अखी अखां वल वेख, पतीनिया हुंदा पतलियां पै जानियां, भाव के हुण उदा उदा नहीं काम कर दिया जिदा पहला कर दिया सी, पतलियां पै चुकियां ने, कमजोर पै चुकियां ने। फरीदा अखी देख पतीनियां, सुन सुन रीणे कन, सुन सुन कि जिहड़े कन ने वह भी हुण थक गए ने, रीणे हुंदा बोले हो जाना, बोले हो गए ने, हुण बदलाव है ना। साख पकंदी आईया, साख हुंदा टाणियां पक गईयां ने, शरीर दियां टाणियां पक गईयां ने, अर्थ शरीर भी हुण ओह नहीं रह गया, इहदे च बदलाव आ गया। होर करेंदी वन, वन हुंदा रंग, पुराना साडे बजुर्ग बोलदे सी रंग वन, उहदा अर्थ रंग ही हुंदा, वन दा अर्थ रंग। होर करेंदी वन, हुण शरीर दा रंग भी होर ही हो गया, पहला वाला नहीं रहा, अर्थ की बनिया भी सब कुछ बदल गया, ना अखां ओ रहियां ने, ना कन ओ रह गए ने, ना शरीर दियां टाणियां शरीर दे अंग ओ रह गए ने, ना शरीर दा रंग ओ रह गया, सब कुछ ही बदल गया। हुण इहदे अर्थ समझो बाबा जी कहना की चाहुंदे ने, असल दे विच ना गुरमुखो, गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने क्यों सानू ये गल कही भी भाई जे तू परमेश्वर नू पाउणा ते कुदरत दे नाल जोड़ा, वो परमात्मा कुदरत दे विच वसदा है, बलहारी कुदरत वसिया, क्यों किया, तू कुदरत नू समझ, कुदरत नाल जोड़ा, उहदा अर्थ सी की, अर्थ सी कुदरत कदे भी गुरमुखो एक थां ते खड़ी नहीं हुंदी, कुदरत एक कंटीन्यूसली ये कह लो भी वहा है, बदलाव है, जो कुछ सवेरे हो गया वो शाम नू नहीं, जो शाम नू है वो अगले दिन सवेर नू नहीं, जो अगले दिन सवेर नू है शाम नू नहीं, बदलाव है हमेशा, कुदरत रुकण दा नाम नहीं है, कुदरत रुकण दा नाम नहीं है, कुदरत वहन दा नाम है, हमेशा बदलाव दा नाम है, बदल रहा है, जो अज है वह कल नू नहीं है, जो कल नू परसों नहीं होगा, जो अज है वह कल नहीं सी। तुसी देखो जिन्नी जिन्नी चीज़ बंदे ने बनाई है, जो चीज़ बंदे ने बनाई है उहदे च बदलाव नहीं आउंदा, वह घटेगी पर वधेगी नहीं। आ जिन्नियां कारां ने, जीपां ने, गड्डियां ने, तुसी देखो बंदे ने बनाईया ना, वधदियां तां कितें है इह वधदियां, उदां ही खड़ियां, घटनगियां जरूर खुर जाणगियां। जिहड़ी चीज़ रब ने बनाई है वह वधेगी, पेड़ पौधे रब ने बनाए ने, कुदरत ने अपने आप वधणगे। आ घर बिल्डिंग बनाई होवे बंदे ने बनाई है, ये वधेगी नहीं, इत्थे खड़ी है, इन्हें वधना नहीं है। शरीर जिहड़ा आ शरीर है ये परमेश्वर ने बनाया, हौली हौली इन्हें वधना है, बदलाव अपने आप हो ही जाने हैं। तो पातशाह कहिंदे कुदरत दा सुभाव की है, बदलाव, और इस बदलाव नूं प्रवान कर लैणा ही आनंद है। इस जद तक असी कोई भी बंदा है जड़ तक वह बदलाव नूं प्रवान नहीं ना करेगा, चेता रखो जे वह सुखी नहीं हो सकता। सुखी होने का सब तो सौखा तरीका पता की है, बदलाव नूं प्रवान करिए, भावें वह बदलाव शरीरक तौर पर है। नुकता समझो, शरीरक तौर पर बदलाव हुंदा कि नहीं हुंदा, उहनूं प्रवान करना भी ठीक है, तो होना ही है, आनंद लैना इहदे विच्चों, भावें वह जिहड़ा बदलाव है वह आत्मक तौर पर है, आत्मक तौर पर बदलाव हुंदा साडे अंदर, जिदां दी साडी सोझी अकल अज तो 10 साल सी अज वह नहीं है, जिहड़ी अज है वह कल नूं नहीं होनी। तुसीं आए सी कुछ मन च होर है, जाऊंगे तो मन कुछ होर बदलिया होएगा, बदलाव है ना, ये बदलाव नूं स्वीकार करना। फिर तीजा समाजिक तौर पर बदलाव, समाजिक तौर पर बदलाव बहुत है ना, उस बदलाव नूं भी स्वीकार करना, क्योंकि बदलाव कुदरत दा सुभाव है। जिहड़ियां चीज़ां दे विच्चों आत्मा मुक जांदी है उहदे विच्चों बदलाव खत्म हो जांदा है। जिहड़ी टाणी
रुख नालों टुट जाए उहदा वधना बंद हो जाता है, जिहड़ी जुड़ी है नाल उह वधदी रहेगी। इहदा अर्थ की है, जे साडे अंदर बदलाव आ रहा है इहदा अर्थ असी जिउंदे हाँ, जे बदलाव नहीं इहदा अर्थ अंदरों आत्मा खत्म हो चुकी है। हुण कई बार की हुंदा है, कई बार ना जिहड़ा समाजिक बदलाव है, जिहड़ा अज बंदा समाजिक तौर पर दुखी है, वह क्यों दुखी है? समाजिक तौर पर बदलाव नूं स्वीकार नहीं कर रहा। कई कई हुण जिवें बजुर्ग माइयां ने वो अपनी नूहां नूं कहणगियां, साडे वारी ते आ हुंदा नहीं सी, इदां वी भाई नहीं सी हुंदा, बदलाव है इह, इहनूं स्वीकार करो। पहलां तां भाई कपड़े भी नहीं सी हुंदे, होर तरहां दे हुंदे सी, घरे बुणदे सी, घरे पा लैंदे सी। इदां है ना, बदलाव है इहनूं स्वीकार करना ही पैणा, नहीं करोगे ता दुखी है, क्योंकि कुदरत दा बदलाव सुभा है, वह रुक नहीं सकता, रुकना नहीं है, उन्हें दुखी हो ही जावांगे बस। इदां करके तो हर तरह का बदलाव तुसी धर्मक तौर पर देखो। गुरु नानक साहब की जो धर्म है वह शुरू रबाब तो हुंदा है, चलो मैं नुक्ते गुरबाणी चो दे जावां इतिहास विचों, इदां पर तुसी देखो जिहड़ी धुन मरदाने की रबाब तो शुरू होंदी है, आनंदपुर साहब आउंदियां आउंदियां नगारे च बदल जाती है। बदलाव है ना, रबाब तो गल कित्थे पहुँच गई, नगारे ते पहुँच गई। असी कदे नहीं सुनिया होना भी गुरु नानक साहब पातशाह ने घोड़सवारी की होवे, पर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तक फौजां दीआं फौजां घोड़े भजाउंदियां। बदलाव है ना, गुरबाणी लै लो, श्री राग तो बाणी आरंभ, 31 राग ने बाणी दे, 31 राग ने जिहड़े श्री राग तो बाणी आरंभ हुंदी है। ते गुरु अर्जन साहिब पातशाह जदों बाणी दी संपूर्णता करदे है, 30 राग सन उदों, 31वां राग ते गुरु कलगीधर पातशाह ने अंकित किया ना गुरु तेग बहादुर साहब का, जदों पहला प्रकाश हुंदा है उदों 30 रागां च है बाणी, ते अखीर 30वां राग किहड़ा सी? प्रभाती राग। हुण तुसीं देखो जिहड़ा श्री राग है वह हनेरे दा राग है, श्री राग कदे भी धुप दे विच नहीं, सूरज खड़े नहीं गाया जा सकता। ठीक है, गाउण वाले तो कदों भी गा देंदे, उह तां गल ही वक्खरी है, पर एक रागां दा टाइम हुंदा है। श्री राग जिहड़ा है वह हमेशा हनेरे दा राग है, ते प्रभाती राग सवेरे अमृत वेले दा राग है, प्रभात। अर्थ की बनिया भी कितना बदलाव है, जिहड़ी गल श्री राग तो हनेरे तो शुरू हो रही है, चलदियां चलदियां वह प्रभात विच बदल रही है, अखीर ते प्रभात है जिंदगी दी। पातशाह कहिंदे भाई इह गुरु दे की अर्थ है, शब्द गुरु, गुरु दे अर्थ भी तां इही है, गो प्लस रू, हनेरे तो गुरु गू दा अर्थ हुंदा हनेरा, रू दा अर्थ चानण, हनेरे तो चानण दे वल जाणा, यही है गुरु दे अर्थ। बदलाव है ना, हर चीज़ विच बदलाव है, होना चाहिए। बाबा कबीर साहब ने बाणी च कहा की, कहा क्या पढ़ी है, क्या दा अर्थ है की लाभ है, जिहड़ा क्या शब्द है ना उहदा अर्थ है की लाभ, क्या पढ़ी है की लाभ तेरे पढ़न दा, क्या पढ़ी है क्या गुनी है, गुणिया हुंदा विचारना की तेरा समझण दा लाभ, क्या पढ़ी है क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनी है, पढ़े सुने क्या होई, तेरे पढ़न दे नाल तेरे सुनन दे नाल कुछ लाभ होया। लाभ दा की अर्थ है, कुछ बदलाव आया मन विच, कुछ आत्मक तौर दे उत्ते कुछ तब्दीली आई, जे आई है तो गल बन गई, जे तब्दीली नहीं आ रही तो गुरमुखो फिर नहीं। पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिले उस होई, जे सहज सुभा मिलाप ही नहीं होया फिर की लाभ तेरे पढ़न दा सुनन दा गाउन दा विचारण दा, जे सहज सुभा ही मिलाप नहीं प्राप्त होया। बदलाव है ना, तो गुरु पातशाह सानू यही समझाउंदे आ, कहिंदे शरीरक तौर पर बदलाव अपने आप हो ही जाना है, समझो शरीरक तौर पर बदलाव, तैनू कुछ नहीं करना पैना,
अपने कुछ भी नहीं ना करेगा, अपने आप ही तू बचपन तो जवानी तो जवानी तो बुढ़ेपे अपने आप ही चला जाएगा। भावें चोरी कर, ठगी कर, बेईमानी कर, बिल्कुल बाणी ना पढ़, ये बदलाव अपने आप ही आ जाना है। पर आत्मक बदलाव अपने आप नहीं आता। जिहड़ा आत्मक बदलाव है, शरीर अपने आप ही अगे नूं तुरिया जांदा है, बचपन तो जवानी जवानी तो बड़े अपने आप ही तुरिया जाना, पर मन अपने आप नहीं तुरदा। मन नूं तुर लई करना पैना। ता ही पातशाह ने कहना गुरबिन घोर अंधार, गुरु तो बिना घो घुप हनेरा ही रहना। इन्हें चानण वल नहीं जाना, चानण दे वल जाण दे लई तैनूं गुरु की लोड़ है। इस करके शरीरक तौर पर बदलाव अपने आप हो ही जाते हैं, बाहरी तौर पर बदलाव मौसम के अपने आप हो ही जाते हैं, साल दिन महीने अपने आप बदली जाते हैं, पर मन बदलने दे लई तैनू गुरु की लोड़ है। इन्हें अपने आप उपर नू नहीं जाना, ये थले नू चल जाएगा अपने आप, पर इनू उपर ले जाने दे लई गुरु की लोड़ पैनी है। इस करके आत्मक बदलाव जिंदगी च हो जाए असी गुरु को आने और स्वीकारना है। ये नुकता बड़े ध्यान में समझना है। जिमें जिमें एक बचन आता है गुरु पातशाह की बाणी का, म गुरु अर्जन साहब दखने च कहिंदे आ, अगाहां कूं तरांग पिछा फेर ना मुढ़ा, पिछे नूं मुढ़ा ना फेर। उहदा अर्थ की बनिया, अगे नूं वध, अगे दी तांग रख, पिछे नूं मुढ़ा ना फेर, पर पिछे नूं ना मुड़। हुण तुसीं एक नुकता समझो, पिछे नूं मुड़ना की हुंदा है। मान लो भी गुरु ने सानू आत्मक तौर पर पिछे मुड़ना की, गुरु ने सानू शब्द ना जोड़िया, गुरु जी ने सानू शब्द ना जोड़िया, सिख दोबारा फिर फोटो की पूजा करे, सिख शब्द नू छड़ के पत्थर की पूजा करे, सिख गुरबाणी दे बुराइयां दे वर्त नू छड़ के प्रशादे पानी का वर्त रखे। वर्त रखना बहुत चंगी गल है, पर वर्त रख चोरी का, ठगी का, बेईमानी का, निंदिया का, चुगली का रोजाना ही रख। जिवें भाई वीर सिंह नूं किसी ने कहा सी ना, तुसी क्यों रुद्धता करते हो वर्त की? भाई वीर सिंह कहिंदे सिख तां रोजाना ही वर्त रखदा है, पर सिख का वर्त वखरा है, ये निंदिया तो चुगली तो बेईमानी तो। कहिंदे सिख तां रोजाना ही वर्त रखदा है, मेरा ते वर्त है 24 घंटे का वर्त है सिख का, पर चंगा वर्त है ना। इदा करके तो कहण दा भाव की हुंदा है कि सतगुरु पातशाह कहिंदे ने भी ये जिहड़ियां इच बदलाव, अगाहां तों असीं पिछे नूं मुड़ पए, शब्द तों बंदा फोटो वल मुड़ पिया, शब्द तों बंदा पत्थर वल मुड़ पिया, आत्मक जोत जगाउण दी थां दे उत्ते घ्यो दियां तेल दियां जोतां जगाउण लग पिया, इहदा अर्थ है पिछे नूं मुड़ पिया, इह अगे नूं नहीं वधिया, पिछे नूं मुड़ना है ना, इह तां वधना अगे नूं सी। अगाहां कूं तरांग पिछा फेर ना मुढ़ा, वह पिछे नूं मुढ़ा ना फेर, अगे नूं वध। इस करके पातशाह कहिंदे ने भाई आ शरीरक तौर पर बदलाव तेरे हो ही जाने है। फरीदा अखीं देख पतीनियां, अखां पतलियां पै गई ने, कमजोर पै गई हैं, अपने आप पै गई ने, सानू कुछ करन दी लोड़ नहीं पई। सुन सुन रीणे कन, सुन सुन के कन बोले हो गए है, अपने आप ही होए है, सानू कुछ नहीं करना पिया। बदलाव है जिंदगी का। साख पकंदी आई आ, साखा पक गई ने, शरीर बदल गया। होर करेंदी वन, इन्हें होर ही रंग कर लिया, पहला सिर का रंग होर सी, हुण होर हो गया, ये अपने आप ही हो रहा है। बाबा कबीर साहब कहिंदे देख शरीर अपने आप बदल गया है, तेरा मन बदलिया कि नहीं बदलिया, ये हुण तू सोचना भी कित्थे जे खड़ा है। हुंदा है गुरमुखो, शरीर अपने आप ही हो ही जांदा है, पर देखो ना बदलना चाहिए बंदा। ये झाती मारे अपने आप कि जदों मैं जवान सी उदों खाना पीना चंगा लगता सी, हुण भी खाण पीण ते ही खड़ा है,
कई कई नमस माफ करना कहनिया पैंदियां ने, कई गल्लां कहनिया क्यों पैंदियां ने, जिवें असी परिवार विच बैठे हुंदे आ ना, कहण दा भाव ये नहीं हुंदा किसी नूं छेड़न दे लई, ना ना ना, कहण दा भाव ये हुंदा वी असी इक परिवार हाँ, परिवार दे विच जे साडा कोई भैण भरा सही काम नहीं कर रहे असीं कहिंदे ओए ये नहीं करना ये कर आ कम तू गलत करदा इंज नहीं इदां कर, तो कहण दा भाव हुंदा भरा परिवार की तरह गल कहनी। हुण कई इदां सिख मैं देखे ने, एक थां नहीं सारे थावां उत्ते हुंदा वी आउणगे गुरद्वारे लंगर पानी छकणगे प्रशादा पानी मत्था टेकणगे भज जाणगे, भी जिंदगी 20-20 साल हो गए बस इको काम फड़े भी गुरद्वारे आए रोटी खाधी तो भज गए, भी कमाल होगी 20 साल का आही करी जाना भी 10 मिनट गुरद्वारे बैठना ही नहीं कित, भी अगे तुर पीए ना थोड़ा जहा, जे दरबार साहब ही बैठते हैं कल तो फिर थोड़ी सेवा वाले पास तुर पीए भी भाई नाल सेवा भी करा करा, जे सुन वाले पासे हाँ थोड़ा हुण पढ़न वाले पासे भी तुर पीए, जे बाणी कंठ हो गई है तो थोड़ा समझन वाले पासे भी तुर पीए, जे आप नूं सब कुछ पता लग गया है तो किसी नूं समझाउण वाले पासे तुर पीए, हुण थोड़ा जिहा अगे तां वधीए ना, थोड़ी थोड़ी तब्दीली होनी चाहीदी हर एक दे अंदर, गल गुरमुखो तां बणेगी तां बणेगी। जो समाप्ति मैं करां, उह स्वामी विवेकानंद 30 साल की उम्र शायद मैं सामने कीती सी गल, मैनूं पक्का पता नहीं सवेरे कि शाम नूं, उह जहाज समुंदरी जहाज बैठे 30 साल की उम्र सी, उन्होंने 90 साल का बजुर्ग बैठा देखा तो वह चाइना चीनी किताब पढ़ी जाए, वो कमाल भी 90 साल का बापू भी चीनी किताब, कहते बापू की करता, कहता पुत्र चीनी भाषा सीख रहे हैं, 90 साल की उम्र, दुनिया में सब तो वह चीनी भाषा सीखनी औखी है, उदियां हजारां ही फिगर ने वो चेते करनिया पैंदियां दिमाग विच, इदां तो घट्टो घट 12-13 साल लगते ने चीनी भाषा सीखण दे लई। कहिंदा बापू तैनू 10-12 साल सीखण ते लग जाणगे, ते जिहड़ी चीज़ 10-12 साल सीख के उहनू 15-20 साल आपां वरत्या ना उह सीखण दा की फायदा, ते तेरी उम्र किन्नी है? कहिंदा बेटा पक्का नहीं पता भी 90-95 दी होवेगी। कहिंदा 90-95 दा हो चुके हैं, 12-13 साल तू सिखण ते लाउणे हैं, जे 15-20 साल तू वरतों ना कीती ते फिर गल कोई नहीं बननी, ते इन्नी उम्र है तेरी, इन्ना चिर जिउणेगा तू? कहिंदा पुत्तर जिस दिन 10 साल दा सी पता उदों भी नहीं सी किन्ना चिर जीवांगा, जदों 50 दा होया पता ते उदों भी नहीं सी किन्ना चिर जीवांगा, पर मैं 90 का हो गया ना, हो गया सीख रहे हैं मैं थोड़ा ये गल उड़ीकी जाना 24 घंटे भी मर जाना ये तो रब दे हाथ है, मैं तो ये देखना मैं अगे नूं किवें वधना है, मैं नहीं सोचता मौत वाले पासे। कहिंदे पुछ तेरी उम्र किन्नी है? कहिंदे 30 साल। कहिंदे कमाल की गल है, मैं 90 साल विच ये सोच रहा है भी अगे किवें वधना है, ते तू 30 साल की उम्र ये सोच रहा है भी मर जाना है, हुंदा कि नहीं हुंदा? इदां असीं इदां सोचदे हां कई कई बार ना, समाप्ति करनी, कई बार इदां हुंदा जदों धीआं पुत विआहे जांदे आ उदों ना, फिर जिहड़ियां धीआं पुत तां विआहे गए, हुण भाई की करना, धीआं पुत विआले हुण की खाणा पीणा? धीआं पुत विआउण दा अर्थ यह नहीं हुंदा भी बेबे बापू बुढ़े हो गए, ये कित्थे लिखिआ इह? ये अंग्रेज ने जिहड़े देशां असीं जाणे आ ना उहनां देशां च ये गल्लां नहीं गईआं, पर असीं यही समझे भी धी पुत विआहे गए, धी पुत विआउण दा अर्थ बुढ़े होना नहीं हुंदा, धी पुत विआउण दा अर्थ जिम्मेवारियां विच बदलाव हुंदा, भी हुण साडियां जिम्मेवारियां कुछ होर बन गईआं ने, हुण सानूं जिम्मेवारियां कुछ होर फड़ लैणियां चाहीदियां ने, असल इहदा अर्थ इह हुंदा भी हुण आपणियां जिम्मेवारियां बदल लईए थोड़ियां जिहियां, आपणियां ड्यूटियां थोड़ियां जिहियां बदल लईए, रसोई चों जिहड़ा हुक्म सी हकूमत उह बदल देईए, हुण आपां थोड़ा जिहा दूजे पासे समां लाईए जिहड़े पासे पहलां कर नहीं सके, रिटायरमेंट हो गई, रिटायरमेंट होण दा अर्थ भी उदास होना थोड़ा हुंदा है, रिटायरमेंट होण दा अर्थ भी एक नवीं जिंदगी दी शुरुआत हुंदा है, भी नवीं जिंदगी जीवीए, हुण क्यों, हुण
पैसा धेला हो गया, धियां पुत सैट हो गए ने, सरकार पेंशन दे रही है। हुण जिहड़े काम सानू पहला करने चाहिए सी, पर जिंदगी दियां जिहड़ियां कह लो भी जिंदगी इन्नी तेज सी, उन्हां च वह काम नहीं कर सके, हुण वह काम पूरे करदे आ। यही कारण हुंदा है ना, जिहड़ा उस समय नहीं कर सके, हुण समा भी है, टेंशन भी घट है, हुण उस पासे तुरदे आ। तो एक नवी शुरुआत हुंदी है। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਹਏ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਸਰੀ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਸਰੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਿਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬੰਸਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਕਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜੀਵੀਏ, ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਨੰਦ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਤਨ ਪਰਵਾਰ ਕਰਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਰਾਮਣ ਪਾਇਆ ਕੀ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਕਰਨਾ।